एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये मंगलवार का ही वीडियो है, शाम का वक्त है। इससे पहले का व्लॉग जो आपने दूसरे चैनल पे देखा होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा व्रत था मंगलवार के दिन, तो मैंने जो है सबसे पहले सब्ज़ी बना ली है। लौकी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और यहाँ पर मैं सिंघाड़े के आटे की जो है ना पूरी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू जो है ना वो बॉईल कर लिए थे। तो जब मैं सब्ज़ी बना रही थी उससे पहले ही मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और बस अब जो है ना इसको मैं छील के और इसी में मिक्स कर लूँगी सिंघाड़े के आटे में। पहले क्या होता था कि जब भी मैं पूरियाँ बनाती थी ना, तो कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा दोनों मिक्स करके मैं बनाती थी, लेकिन आज मेरा ये था कि नहीं, मैं सिर्फ सिंघाड़े के आटे की बनाऊँगी। तो 3 से 4 आलू जो है मैंने इसमें डाले हैं। तो व्रत सिर्फ मेरा है, तो बस ये जो है ना पूरियाँ मेरे लिए बनेगी और साथ में वंशु के लिए बनेगी, क्योंकि वंशु जो है ना वो खा लेती है, विदांश नहीं खाएगा। तो विदांश के लिए तो मैं सिंपल पूरियाँ बनाऊँगी और वंशिका के पापा जो हैं वो रात को खाना नहीं खाते, बस खाने वाले हम 3 ही लोग हैं। तो अभी जब तक हम लोग गाँव में थे ना, तब तक तो ये जो है नाइट में खाना खाते थे, लेकिन जब से हम लोग इधर वापस आ गए हैं तब से जो है रात का खाना जो है इन्होंने फिर से स्किप करना शुरू कर दिया है। और सच बताऊँ तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी मिल रहे हैं इस चीज़ के। पिछली वीडियो में ना कमेंट आया था कि दीदी रात का खाना स्किप करने से दिक्कत होती है, मत किया कीजिए, लेकिन इनको फ़ायदे लग रहे हैं तो ये रात को जो है खाना स्किप करते हैं। हालांकि रात का खाना स्किप करने का मतलब ये है कि वही 5-5:30 तक जो भी फ्रूट वगैरह खाना होता है ना ये खा लेते, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते। तो मैं भी ऐसे ही कर रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो व्रत चल रहे हैं तो फिर उसमें जो है इस टाइप से डाइटिंग हो नहीं पाती है। तो यहाँ देखिए मैंने जो है फटाफट से पूरियाँ जो है फ्राई करनी शुरू कर दी है। और मैंने ना ये जो फूड रैप पेपर होता है ना इसको लिया था, तो मैंने ना कहीं देखा था कि इस पे जो है पूरियाँ चिपकती नहीं है, लेकिन मेरी तो भाई बहुत ज़्यादा चिपक रही थी पूरियाँ। तो मैं इसमें बीच बीच में क्या कर रही थी, थोड़ा सा ऑयल भी डाल रही थी ताकि पूरियाँ जो है ना वो चिपके नहीं। जितनी पूरी मतलब मुझे बनानी थी अपने लिए और वंशिका के लिए मैंने बना दी है। और अब बारी आती है शाम की दिया बत्ती करने की। तो अगर गांव नहीं जाते ना तो फिर तो जो है मेरे पूरे 9 दिन के व्रत रहते, लेकिन गांव गए थे तो फिर ट्रैवल के टाइम पे व्रत लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल करना होता है और स्पेशली जब पहाड़ों की साइड से आओ जाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से व्रत नहीं ले पाई थी मैं। और बस यहाँ पर जो है दिया बत्ती करूँगी, उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैंने अपना व्रत खोल लिया था। तो बच्चों के लिए मैंने जो है खाना बना दिया था, विदांश के लिए सिंपल आटे की पूरी बनाई थी और वंशिका ने तो जो सिंघाड़े के आटे की पूरी थी ना वो बहुत खुश होके खाई। यहाँ पर जो है ना मेरी शाम की जो पूजा होती है वो हो चुकी है, उसके बाद मैंने भोग लगाया था और ये है आज का डिनर, पूरी साथ में सब्ज़ी और साथ में मैंने खीरे का रायता भी बनाया था। और इससे पहले जो है ना मैंने लगाए थे मशीन में कपड़े, तो बस अभी मैं जो है कपड़े सुखाऊंगी। और ये वाला वीडियो आप पूरा देखना, आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें लगातार जो है ना कमेंट्स आए हैं, और उससे पहले वाले वीडियो में भी आए थे, लेकिन इस वाले वीडियो में तो बहुत ज़्यादा आए हैं। और आपके कुछ सवालों का जो है इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। और बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि जब आपको यहाँ पर जवाब मिल जाए ना, तो प्लीज़ आप आगे से इस टाइप के क्वेश्चन ना किया कीजिए, क्योंकि आप लोग तो क्वेश्चन कर देते हैं लेकिन आगे जो आपको रिप्लाई कर रहा है यानी कि मैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना हो सकती है। तो आई होप आप समझेंगे, थोड़ी सी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ में आगे वीडियो में क्लियर करूँगी। जितनी भी जो है कुछ लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं तो वो जो है ना वो सारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं जानबूझ के कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ देखिए कपड़े जो है ना वो मैं सुखा के आ गई हूँ, उसके बाद बारी आती है मेरे किचन को क्लीन करने की। अच्छा, व्रत में क्या होता है ना, सुबह से तो आप ठीक फील करते हैं, मतलब आप पूरी एनर्जी रहती है फुल, लेकिन जैसे ही एक बार खाना खा लो ना उसके बाद फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। यहाँ पर जो है मैं मतलब मैंने अपना व्रत खोल लिया था और फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं किचन क्लीन करूँ या बर्तन वगैरह वॉश करूँ, लेकिन वही है कि बिना बर्तन धोए सो भी नहीं सकती थी। तो बस मैं आ गई हूँ अपने किचन में और इस टाइम पर वंशिका के पापा जो है ना घर की सारी लाइट्स चेक कर रहे थे। तो पिछली दिवाली से लाइट्स लगी थी, मैं व्लॉग में बोलती रह गई लाइट्स निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन दूसरी दिवाली भी आ गई है तो वो वही चेक कर रहे थे कि लाइट्स चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो दो बालकनी की लाइट्स तो चल रही है, अभी शायद तीसरी वाली की जो जो हमारा ड्राइंग रूम की बालकनी है ना, शायद उसकी जो है ख़राब हो गई। और कमेंट भी आते थे, दीदी अब तो लाइट उतार लो, अब तो लाइट उतार लो। अब फाइनली वो बोलते बोलते 1 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला।
ऐसा ही होता है ना, टाइम कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म होता है सच में पता नहीं चलता है। ऐसे लगा था अभी कुछ टाइम तो पहले दिवाली आई थी। और यहाँ देखिए मैंने जो है ना पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर लिया, उसके बाद मैंने जो है अपनी हॉब भी क्लीन कर ली थी, और बस अभी थोड़े से बर्तन हैं मेरे, उनको धोऊंगी। उससे पहले ये बास्केट जो है ना इसको मैं खाली करूंगी। तो बीच बीच में क्या था ना, मैं बर्तन धोती भी जा रही थी जिससे मेरे जो सिंक है ना उसमें बर्तन कम हो। लेकिन आप कितनी कोशिश कर लो, आप बार बार बर्तन धोते रहो, लेकिन जिस टाइम पे आप मतलब मेन प्रोसेस पे आते हो ना कि नहीं अब आपको फिर से सारे बर्तन धोने, तो खूब सारे बर्तन फिर भी इधर उधर से जो है ना निकल ही आते हैं। तो बस ये वो टाइम था जब सबका डिनर हो चुका था। बस अभी मुझे थोड़ा सा काम ये करना है कि बर्तन धोऊंगी, उसके बाद बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म करके और फिर सीधे जो है मैं सोने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि इस टाइम तक मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, गाँव से आने के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि 8:30 जो है ना नींद आनी शुरू हो जाती है। जैसे वहाँ पर हमारा रूटीन बन गया था ना कि 8:30 से 9 बजे तक हम लोग जो है ना सो जाते थे किसी हाल में। खैर वहाँ पर तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, तो इस वजह से पता भी नहीं चलता था। लेकिन वही है, जैसे आप बॉडी को जो है आदत दिला दो, अब यहाँ भी वही हो गया है कि जैसे ही 8:30 पौने 9 बजते हैं ना, खुद ब खुद नींद आनी शुरू हो जाती है। तो मैं अभी आपको टाइम दिखाऊंगी कि कितने बजे तक जो है मैंने अपना जो है ये काम निपटा लिया था। और वैसे अब रातें लंबी हो गई है ना, तो क्या होता है ना कि काम समय से पहले निपट ही जाते हैं, इवनिंग वाले जो काम होते हैं वो। तो बस यहाँ देखिए मैंने जो है पूरे बर्तन भी धो दिए हैं, और जो समय हो रहा है ये देखिए 9:09 थे। तो बस लास्ट का काम रहता था मेरा मिल्क गर्म करने का, तो मैंने यहाँ पर वेदांश के लिए जो है मिल्क गर्म कर लिया है। वंशिका ने ना मना कर दिया था कि मम्मा मतलब मैंने खा लिया है खाना, मुझे अभी दूध नहीं पीना है। तो बस यहाँ पर वेदांश के लिए मैंने थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर डाल के दूध गर्म कर लिया है, और अब चलेंगे अंदर, लाइट्स वगैरह कर देते हैं ऑफ। हेलो एवरीवन, तो जी मुझे ना आप लोगों से कुछ बातें करनी है। आपके बहुत सारे सवाल हैं तो उनका आंसर मुझे देना है। शायद मैं ना भी दे पाऊँ उस तरीके से जिस तरीके से आप पूछ रहे हो, लेकिन बस इतना बोलूँगी कि एज अ लेडी आप समझना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दो सिंदूर देख रहे हो आप, आज पता है क्या हुआ, ये मैंने पहले लगाया और ये मैंने भगवान जी की पूजा करते हुए ना माता का जो है सिंदूर लगाया, वो दोनों अलग अलग जगह लग गया। देखो अब मैं इसको हटा भी नहीं सकती, फिर अजीब सा लगेगा, तो अब इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। मैं भी अभी देख रही हूँ, जब आप लोगों से बात कर रही हूँ ना तब मैं देख रही हूँ। तो भाई मैं गई थी मायके, और मैं एक दिन के लिए मायके गई, और फिर जो है मायके से आ गई हूँ सीधे नोएडा। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आज के ब्लॉग में तो आए हैं, लेकिन इससे पहले के वीडियोस में भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे हो, कुछ लेडीज़ को ज़्यादा है, देखो सारे नहीं पूछते लेकिन कुछ होती है, दो तीनों को तो बहुत ज़्यादा है, हर वीडियो में उन्हें ये वाला क्वेश्चन पूछना ही पूछना होता है। तो भाई उनकी दिल की तसल्ली के लिए मैं बता देती हूँ कि हाँ मैं मायके गई लेकिन और कहीं नहीं गई मैं। और कमेंट्स आए कि आपको जो है ना जाना चाहिए था, बच्चों को मिलवा के लाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बोलूँगी कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ना तो उसके पीछे एक रीज़न है, और उसके पीछे रीज़न कोई छोटा मोटा नहीं है, रीज़न बहुत बड़ा है। ठीक है, कोई छोटा मोटा रीज़न नहीं है। और आपको भी पता है कि मेरी शादी को कोई, मेरी नई नई शादी नहीं हुई है, मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मेरी कोई, मैं बहुत न्यूली मैरिड नहीं हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, 12 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश भी की है। ज़रूरी नहीं है कि जो कैमरे पे आपको दिख रहा है वो सारी चीज़ें सही हो और वो सारी चीज़ें अच्छी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कैमरे पे दिखाई जाने वाली 50% चीज़ ठीक होती है, 50% चीज़ सही नहीं होती है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, मैंने आपको पहले कुछ चीज़ें दिखाई है कैमरे पे, किसी को मैं कैमरे पे लेकर आई हूँ। तो रीज़न इतना है कि मैं अपनी तरफ से कभी भी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करती हूँ, लेकिन सामने वाला जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे उंगली उठा दे और सामने वाला आपको कुछ ना समझे, सामने वालों के लिए आप कुछ नहीं हो, किसी चीज़ के बराबर नहीं हो, तो वहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना बहुत सारी चीज़ें और कदम उठाने पड़ते हैं। मेरा ना जाने का कहीं रीज़न भी बहुत बड़ा है, पीछे बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इस टाइम पे मैं जो है आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ, और शेयर करने के लिए मैं कर भी दूँ लेकिन आप, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी मैं क्यों शेयर नहीं कर सकती। देखो लोग मौका ढूंढते हैं आपके घर में कि आप कब एक ऐसी बात बोल दो कि सामने वाले को मौका मिल जाए और फिर आपके घर में उस चीज़ के चक्कर में कलेश हो, है ना।
तो मैं नहीं बोल पाऊंगी अभी कुछ भी, मैं नहीं आप लोगों से इतनी ज़्यादा खुल के चीज़ें क्लियर कर पाऊंगी। बस ये है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया यहाँ से तो लोगों को मौका मिलेगा और उसका इम्पैक्ट मेरे यहाँ घर में पड़ेगा। जो हम शांति से अभी जो है चल रही है ना चीज़ें, वो शांति से नहीं चलेंगी, वो फिर अशांत हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो ये रीज़न है कि मैं आपको खुल के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बस इतना बताऊंगी कि जब जहाँ पर बात आपके मान सम्मान की आ जाती है वहाँ पर आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पहले आपने अगर मेरे से पहले से जुड़े हुए, आपने मेरे पहले के व्लॉग देखे हैं, तो आपको मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना मायके जाती थी। आपको भी पता है कि जब मैं अपनी मम्मी से मिलने जाती थी तो सिर्फ वन डे, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मम्मी और उससे मिलने के लिए मैं सिर्फ तब गई जब मैं घर आ रही हूँ, बस थोड़ा सा चली गई मम्मी से मिलने और सीधे घर आ गई। आज लोगों का ये बोलना कि आप सिर्फ मायके जाती हो, मैं होती तो मैं तो इधर भी जाती उधर भी जाती, तो भाई आपको नहीं पता सिचुएशन क्या है, आपको चीज़ों का पता ही नहीं है। तो सही बात है, जब आपको चीज़ों का नहीं पता तो आप बोलोगे, लेकिन चीज़ों को समझो। अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, छोटा मोटा भी रीज़न नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ा रीज़न है। आज मुझे ये सब इसलिए क्लियर करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, और फिर कमेंट तो आते हैं उसके नीचे लाइक करने वाले भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक करते हो, लेकिन सिचुएशन को, चीज़ों को समझना चाहिए ना। अगर आपको पता है कि दीदी ने ये काम पहले किया है लेकिन सडन ये चीज़ें छोड़ दी हैं, तो यानी कि उसके पीछे कुछ चीज़ होगी ना, कुछ बहुत बड़ी बात होगी इसी वजह से। ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ ना वहाँ पर, मेरा हस्बैंड भी है। अगर वो मेरा किसी चीज़ के लिए साथ दे रहे तो 101% बात कुछ ऐसी होगी जहाँ पर उन्हें पता है कि कौन सही है कौन गलत है, जहाँ पर। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ समझो, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग तो जो बातें बनाने वाले हैं देखो वो बातें बनाएंगे, और मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ इतना आप लोगों को बताना है कि बहुत बड़े बड़ी चीज़ें हो चुकी है, पीछे बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत चीज़ें संभालने की कोशिश भी की गई है, लेकिन जब सामने वाला आपकी चीज़ें सुनने को तैयार ना हो, सामने वाले को आप हमेशा गलत दिख रहे हो, सामने वाले को वो लोग सही दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत चीज़ें कर दी हैं लेकिन आप उनके सामने बिल्कुल गलत हो, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया कभी, तो ऐसे में अच्छा यही रहता है कि आप ठीक है अलग शांति से रहो। बस इतना ही बोलूँगी मैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि फ्यूचर में आप इस तरीके के प्लीज़ कोई क्वेश्चन मत पूछो, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसी भी चीज़ें होंगी आगे, मुझे नहीं पता आगे चीज़ें कैसी चलेंगी, देखिए है ना, लेकिन हाँ इस अभी मैंने अगर कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ डिसीजन लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया है, ऐसी फालतू में कोई डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है। ये चीज़ मैं हमेशा से ही आप लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि बात आत्मसम्मान पे आ जाती है चीज़ें, और आपसे हटके अगर अब मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इतनी दिल दुखाने वाली चीज़ें हैं ना कि अगर मैं बोलने लग गई ना तो बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो छोड़ो, मेरे को इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और समझा मैं किसी को सकती नहीं हूँ सिर्फ, और पूछना मत क्या हुआ क्यों हुआ। जो स्टार्टिंग से ब्लॉग देख रहे हैं शायद वो समझ भी जाए थोड़ी बहुत चीज़ें। बीच में मेरा एक वीडियो आया था आपको याद होगा, जिसमें मैंने बोला था कि मुझे परेशान मत करो, मैंने ये बोला था ये सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है वीडियो, तो समझ जाना कि ये मैंने वहीं के लिए बात बोली थी। अब आप बाकी वो वाला वीडियो जाके देख लेना, ज़रूरत पड़ी तो आगे भी चीज़ें बोलूँगी, फिलहाल ज़रूरत फील नहीं होती है, तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी आप लोगों के सामने। और बस इसी के साथ जो है वीडियो का एंड करती हूँ मैं, आई होप आप मुझे समझेंगे, और हर औरत एक औरत की दिल की बहुत अच्छे से समझती है, और मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज होंगी जो ऐसी सिचुएशन को फेस करती हैं, तो बस इतना ही बोलूँगी कि वो शायद समझ जाएँ। तो बाकी जिनको नहीं समझना तो मैं कुछ भी कर लूँ, दिल फाड़ के भी दिखा दूँ तो भी कोई नहीं समझेगा, तो मुझे समझाना नहीं है आप किसी को भी। तो बस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।